कांवड़ यात्रा की पांच तस्वीरें, ये पांच तस्वीरें मेरठ, हरिद्वार, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा की हैं, जहां सड़कों पर इन दिनों कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। वहीं शहर शहर कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से खास इंतजाम किए गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, जहां पर कांवड़िए शिव की भक्ति में मगन नजर आ रहे हैं और कांवड़ लेते हुए वहां से उन्होंने प्रस्थान किया है और कई जगहों पर गंगा जल लेकर भी जा रहे हैं और 151 लीटर गंगा जल भी लेकर कुछ कांवड़िए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी, हर की पैड़ी पर की जाएगी पुष्प वर्षा, फूलों के साथ निकला प्रशासन का हेलीकॉप्टर, तो डीएम और एसएसपी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी है, हर की पैड़ी पर ये पुष्प वर्षा की जाएगी, फूलों के साथ में प्रशासन का हेलीकॉप्टर निकला है और डीएम और एसएसपी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर, उस दौरान की तस्वीरें जब प्रशासन का यह हेलीकॉप्टर हर की पैड़ी के लिए कूच किया और इसमें पर्याप्त मात्रा में फूल जो है वो रखे गए और फूलों की बारिश कांवड़ियों के ऊपर की जाएगी इस हेलीकॉप्टर के जरिए। तो डीएम और एसएसपी इस हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करेंगे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर उस दौरान की जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, दूसरी तस्वीर में ये आप देख रहे हैं कांवड़िए चारों तरफ नजर आ रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा जो है वो की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार की, हर की पैड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुष्प वर्षा के लिए प्रशासन का हेलीकॉप्टर पहुंचा है। सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा की धूम देखते ही बन रही है, भोले के भक्त निराले अंदाज में नजर आ रहे हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज, भोले की भक्ति में नाचते झूमते भक्त, ये तस्वीरें हैं सहारनपुर की, जहाँ कांवड़िए गर्मी की मार भूख और प्यास भूलकर भोलेनाथ की भक्ति में रमे हुए हैं। शहर की सड़कों पर इन दिनों जगह जगह कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर भोले के भक्त उनका अभिषेक करने के लिए निकल चुके हैं। यूपी नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ साथ कई और प्रदेश के लाखों कांवड़िए सहारनपुर से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे, युवा, बड़े बुजुर्ग भी कांवड़ लेकर चल रहे हैं। कोई तंडी कांवड़ तो कोई खड़ी कांवड़ तो कोई अनोखे और खास अंदाज में गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। मैं लुधियाना शहर, पंजाब। अच्छा, कब से लगातार लेके आ रहे हैं? ये दो दिन हो गए मेरे को। कितने सालों से लेके आ रहे हैं? ये चार साल से लेके आ रहा हूँ। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी? मन्नत बस अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। शहर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से खास इंतजाम किया गया है। भोजन विश्राम के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। आला अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कांवड़िए भी व्यवस्थाओं से खुश हैं। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है, हंडेसरा जाएंगे। कैसा लग रहा है कांवड़? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से लगातार आ रहे हैं? मैं रुको हो गए 13-14 साल हो गए। क्या कुछ मन्नतें मांगी थी? मनोकामना पूरी हुई है? मनोकामना पूरी हो गई। सरकार की सुविधा कैसी है? बिल्कुल बहुत अच्छी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। हम हरिद्वार से कालका जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कितने घंटे का सफर है? सफर तो बस चलते ही रहते हैं। अच्छा, 25 तारीख को पहुंचेंगे वहाँ पे कालका। अद्भुत नजारा आ रहा है, भोले बाबा की बारात निकल रही है, सभी भक्त जो आए हुए भोले सभी मस्ती से चल रहे हैं, आनंद लेते हुए। सरकार की सुविधा कैसी लगी? कैसा? बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया। अब सभी कांवड़ियों को इंतजार है तो मंगलवार का, जिस दिन वो देवों के देव महादेव का 2 साल बाद जलाभिषेक कर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं नोएडा में भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारी खुद हर स्थितियों पर नजर रखे हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित चौधरी ने। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और तमाम जो कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हैं वो हरिद्वार से नोएडा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें,
ये नोएडा शनि मंदिर पर जो यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं, यहीं पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये कांवरिये कहाँ कहाँ से आए हैं, किस तरीके की व्यवस्था इनको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली, उस बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं, कब? जिला मात्रा। कब कांवर उठाई थी आप लोगों ने? 16 तारीख। कैसी व्यवस्था मिली? बढ़िया, अच्छी मिली। आप कहाँ जाएंगे, कब कांवर उठाई थी? 16 तारीख को उठाई थी, साथ ही हैं, मथुरा जाएंगे। किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या कहेंगे योगी बाबा को कांवर की व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी बाबा की, और इससे भी बढ़िया व्यवस्था पहली बार से। रास्ते में रुकने का, ठहरने की व्यवस्था? बहुत अच्छा प्रबंध है योगी बाबा की, जहाँ जहाँ है वहाँ बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा है व्यवस्था, बहुत अच्छी योगी बाबा। दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया है। जितना भी कांवड़ यात्री हैं उन सबको लेकर पुलिस अधिकारी मुस्तैद हैं। हर एक जगहों पर जितने भी कैंप बनाए गए हैं उन कैंप की बात कर लें या कांवड़ यात्रियों की बात कर लें, आप देखिए यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी कांवड़िए को किसी तरीके की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उनको दवाई देने के लिए भी इस कैंप में व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के, ठहरने की। आगे की तस्वीर दिखाएं तो वहाँ गद्दे डाले हुए हैं, उसको लेकर भी तमाम कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। अभी कांवड़िए आने शुरू हो गए हैं, क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, जितनी मार्ग की समस्याएं थी उसको हम लोगों ने इसका निराकरण कर लिया है। कुछ अभी चीजें हैं जो थोड़ी उसमें प्रयास चल रहा है, बाकी पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं इतने दूर से पदयात्रा करके, इनके लिए जो रहने की व्यवस्था है, इन लोगों से हम लोगों का टाई अप है, इन लोगों को हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो चिकित्सा वगैरह का प्रबंध है, हमारी जो कंटिजेंसी ड्यूटी है, इनकेस अगर कोई समस्या होती है तो। बाकी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा। हरिद्वार से जल लेकर जो कांवड़िए गाजियाबाद के मेरठ रोड पहुंच चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। अलग अलग रंग कांवड़ियों के यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए, डीजे की एक तरफ डीजे है तो दूसरी तरफ गोल बम के नारों के साथ जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो यहां से गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर इसी तरह के नजारे दिखाई आपको देंगे। और देख सकते हैं किस तरह से जो कांवड़ है उसको सजाया गया है, और जो शिव भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, वो एक तरफ डीजे और एक तरफ कांवड़ लेकर यहां से गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। हजारों लाखों की संख्या में जो भोले के भक्त हैं वो कांवड़ लेकर अब यहां से गुजर रहे हैं। पूरा जो मेरठ रोड है वन वे कर दिया गया है, यानी कि हरिद्वार से गाजियाबाद की तरफ आने वाला जो रास्ता है उसे वन वे कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो भोले के भक्त हैं वो बिना थके बिना रुके लगातार भोले के जयकारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग कांवड़ लेकर, अलग अलग रूप में, रंग में, वेशभूषा में यहाँ पर भोले के भक्त आपको नजर आएंगे। जो भोले के भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। भोले, कैसा रहा पूरा रास्ता? भोले एकदम बढ़िया, आनंद आ रहा। भोले की मस्ती में इतनी, भोले की मौज, फौज और करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। बिल्कुल, भोले की फौज करेगी मौज। भोले क्या कहेंगे, किस तरह से रहा पूरा रास्ता? बढ़िया रास्ता ना प्रभु जी, भोले की कृपा। पहुँच हो गए, कहाँ जाना है आपको? कोशी कला। कहाँ से लाए थे जल? हरिद्वार से कोशी कला जाना है, कोशी कला। बोले क्या कहेंगे, कैसा रहा पूरा रास्ता? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत बढ़िया कर रहा है। व्यवस्था अच्छी रही इस बार? अच्छी, बहुत साल बाद कांवड़ खुली लेकिन व्यवस्था अच्छी मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरी सेफ्टी बढ़िया, हर चीज देखो, कई चीज कमी ना छोड़ी। तीसरा जो मेरठ रोड आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर अब आगे की तरफ यहां से निकल रहे हैं, जिनको दूर जाना है और दूरी अभी तय करनी है। तो ये नजारे गाजियाबाद में अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है। हर की पैड़ी समेत